हेलो स्टूडेंट्स, टुडे नेक्स्ट टॉपिक इज फीमेल पेल्विस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, फीमेल पेल्विस क्या होता है। द पेल्विस इज अ बेसिन लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द स्पाइन टू लोअर लिम। ठीक है, जो पेल्विस होता है वो एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइन और लोअर लिम को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन देखें तो इट ट्रांसमिटेड द वेट ऑफ ट्रंक टू द लेग्स। ठीक है, ये ट्रंक के वेट को लेग्स तक ट्रांसमिट करता है और इट टेक द वेट ऑफ सिटिंग बॉडी। ठीक है, इट अलाउ मूवमेंट ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग। इट प्रोटेक्ट द पेल्विक ऑर्गन्स। इन एडिशन द फीमेल पेल्विस अडेप्टिंग फॉर चाइल्ड बियरिंग विद एन इंक्रीज वेट एंड राउंड रिम। तो इसके राउंड और विद रिम के कारण ये क्या करता है कि चाइल्ड बियरिंग है उसको ईजिली कर पाता है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज ए स्केलेटल रिंग फॉर्म बाई टू इनोमिनेट और हिप बोन्स एंड द सैक्रम एंड कॉकेक्स। ठीक है, ये एक स्केलेटन रिंग होती है जो कि तीन बोन से मिलकर बनी होती है। तीन बोन कौन कौन से होते हैं, टू इनोमिनेट या हिप बोन होती हैं, एक सैक्रम होता है और एक कॉकेक्स होती है। ठीक है, टू टाइप ऑफ पेल्विक बोन। ठीक है, देर आर फोर पेल्विक बोन्स एंड मतलब जो पेल्विक होता है वो मेनली क्या होता है, फोर बोन से मिलके बना होता है। टू हिप बोन या फिर टू इनोमिनेट बोन या नेमलेस बोन। ठीक है, तो दो जो होती है वो हिप बोन होती है जिनको इनोमिनेट बोन भी बोलते हैं, जो नेमलेस भी होती है, और वन सैक्रम एंड वन कॉकेक्स। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं पेल्विस का। ठीक है, जिसके अंदर ये देखिए, ये एक बेसिन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो कि स्पाइनल वर्टेब्रा को वर्टेब्रल कॉलम को लोअर लिम्ब से कनेक्ट करती है। ठीक है, और इसके अंदर आप ये देखिए इसका एंटीरियर व्यू, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सैक्रम। ठीक है, सबसे पहले ये ग्रीन कलर का सैक्रम, उसके बाद में ये येलो कलर का इलियम। ठीक है, जो कि इलियम, उसके बाद में जो पिंक कलर का है वो है प्यूबिस बोन एंड जो पर्पल कलर का है वो है इस्चियम। तो ये जो इलियम प्यूबिक इस्चियम जो है ये जो इनोमिनेट बोन या हिप बोन है उसी के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सेकेंड होता है सैक्रम जो ये ऊपर है, और सैक्रम के नीचे होती है कॉकेक्स। इसका आप पोस्टीरियर व्यू देखिए। ठीक है, इसमें होगी ये सैक्रम। ठीक है, जो कि फाइव फ्यूज वर्टेब्रा से मिलके बनी होती है, और इसके नीचे होती है कॉकेक्स जो कि फोर फ्यूज वर्टेब्रा से मिलके बनी होती है। ठीक है, और ये इधर इलियम प्यूबिक बोन एंड इस्चियम, ये तीनों मिलके हिप बोन बनाती है या फिर इनोमिनेट बोन बनाती है। उसके बाद में है टू इनोमिनेट बोन। टू इनोमिनेट बोन मेड अप ऑफ थ्री बोन। ठीक, जैसे मैंने बताया अभी, जो इनोमिनेट बोन है वो थ्री बोन से मिल के बनी होती है, इलियम इस्चियम एंड प्यूबिक बोन। तो सबसे पहले इलियम। इलियम इज द फ्लेयर्ड आउट पार्ट ऑफ द हिप बोन। इट इज़ फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, ये एक फ्लेयर्ड आउट पार्ट होता है हिप बोन का इलियम। ठीक है, जिसके कि कुछ पार्ट होते हैं जो कि ये फ्लेट पार्ट, क्या मतलब होता है कि जो इनोमिनेट एक बड़ा और चपटा पार्ट होता है। ठीक है, जिसका कि इलिया क्रस्ट एज अपर बॉर्डर, जिसका ऊपरी भाग क्या होता है जो कि बोन के ऊपरी बॉर्डर बनाता है। ठीक है, जिसको इलिया क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में कोन के बॉर्डर इज इलियक फोसा। तो इलियम के एंटीरियर की जो साइट होती है वो एक कोन के शेप बनाती है, जिसको कि इलियक फोसा बोलते हैं। उसके बाद में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है,
तो ईलिया क्रस्ट जो होता है उसके फ्रंट में एक प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटीरियर और सुपीरियर साइड में प्रोमिनेंस प्रेजेंट होता है, जिसको कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके ही थोड़ा नीचे की तरफ एक और प्रोमिनेंस होता है, जिसको कि एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसी के पीछे की तरफ भी कुछ ऐसे ही प्रोमिनेंस, दो प्रोमिनेंस होते हैं, ठीक है, इलियम के पीछे की तरफ, जिसको कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन बोलते हैं, और उसके नीचे एक और होता है जिसको कि पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ईसीएम, ईसीएम इज ए थिक लोअर पार्ट ऑफ हिप बोन। ईसीएम क्या होता है, एक हिप बोन का थिक लोअर लोअर के साइड में एक थिक पार्ट होता है, ठीक है। इट हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स, इसके कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि एसिटाबुलम, मैं आपको इमेज दिखा दूंगी सबकी, ठीक है। तो इसके पार्ट होते हैं एसिटाबुलम, ईसीएल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। एसिटाबुलम क्या होता है कि एसिटाबुलम के अंदर हेड ऑफ फीमर अटैच होता है, ठीक है, जो कि ईसीएम में प्रेजेंट होता है एसिटाबुलम। उसके बाद में होता है ईसीएल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, और जो कि ईसीएल ट्यूब्रोसिटी क्या होता है कि जो इस बोन का हार्ड पार्ट होता है ईसीएल ट्यूब्रोसिटी, ठीक है, जो कि कोई बैठने जब हम बैठते हैं तो उस समय ये जो ईसीएल ट्यूब्रोसिटी है वो नीचे की तरफ सतह को छूता है, ठीक है। और ईसीएल ट्यूब्रोसिटी के बाद में ईसीएल ट्यूब्रोसिटी के पीछे की ओर थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक प्रोमिनेंस होता है, ठीक है, जिसको कि ईसीएल स्पाइन बोलते हैं। तो लेबर के दौरान क्या होता है कि जो वेजेनियल एग्जामिनेशन किया जाता है तो फीटल के हेड का स्टेशन या लेवल देखा जाता है, जो कि ईसीएल स्पाइन से ही देखा जाता है, ठीक है, ईसीएल स्पाइन से ही उसको असेस किया जाता है, ठीक है। जो कि अगर फीटस का जो हेड होगा वो ईसीएल स्पाइन से ऊपर होगा तो उसको माइनस, ठीक है, और अगर ईसीएल स्पाइन से नीचे होगा, बिलो होगा तो प्लस, और एट द मतलब ईसीएल स्पाइन पे ही होगा अगर हेड तो उसको जीरो स्टेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर होता है ग्रेटर सियाटिक नोड्स एक्सटेंड फ्रॉम सैक्रो इलियक जॉइंट टू ईसीएल स्पाइन। ये क्या होता है, सैक्रो इलियक जॉइंट से ईसीएल स्पाइन तक होता है, ठीक है, जो कि ईसीएल स्पाइन के ऊपर एक कर्व की तरह होता है, ठीक है, एक कर्व की तरह बना होता है जिसको कि ग्रेटर सियाटिक नोड्स बोलते हैं। और उसी के नीचे एक और कर्व होता है जो कि एक्सटेंड होता है ईसीएल स्पाइन से लेकर ईसीएल ट्यूब्रोसिटी तक, जिसको कि लेसर सियाटिक नोड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑब्डुरेटर फोरामेन होता है जिससे कि जो नर्व हैं, पेल्विक नर्व के फाइबर्स हैं वो पास होते हैं, ठीक है। और इस ईसीएम के कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि वेजाइनल वॉल्ट इज लोकेटेड नियरली, ठीक है, इम्पोर्टेंस होते हैं फंक्शन देखने, इसके इम्पोर्टेंस होते हैं कुछ इलिक स्पाइन ईसीएल स्पाइन के। तो इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं कि वेजाइनल वॉल्ट इज लोकेटेड नियरली, ठीक है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस होता है कि जो रिंग पेशरी जो लगाते हैं, प्लेस करते हैं, रिंग पेशरी शुड बी अप्लाइड अबोव दिस लेवल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैप्स, ठीक है। थर्ड इसकी इम्पोर्टेंस होती है इंटरनल रोटेशन ऑफ फीटल हेड अकर एट दिस लेवल, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। उसके बाद में क्या होता है, फोरसेप्स जो होती है डिलीवरी के दौरान, तो फोरसेप्स आर अप्लाई ओनली व्हेन हेड इज एट दिस लेवल, ठीक है। और पुडेंटल नर्व ब्लॉक इज परफॉर्म एट दिस लेवल, ठीक है। पुडेंटल जो नर्व ब्लॉक किया जाता है वो भी इस लेवल पे ही किया जाता है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके एनोमिनेट बोन की जो थर्ड बोन है वो है प्यूबिक बोन। तो जो टू प्यूबिक बोन फॉर्म एंटीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन, ठीक है। दो प्यूबिक बोन मिलके जो हिप बोन का एंटीरियर पार्ट बनाती है, इसके कुछ पार्ट होते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्शन बोल सकते हैं इसके,
inferior ramus of pubic bone and superior ramus of pubic bone. ठीक है, तो inferior ramus superior ramus क्या होते हैं कि जो दोनों pubic जो bone होती हैं उसके inferior और superior दोनों साइड में ये present होते हैं. ठीक है, और जो ये inferior ramus होता है वो क्या करता है, ये दोनों साइड के inferior ramus मिलके एक आर्च बनाते हैं. ठीक है, जिसको कि सब प्यूबिक एंगल बोलते हैं, एंगल बिटवीन इन्फीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक बोन. ठीक है, जिसको कि सब प्यूबिक एंगल बोलते हैं. और सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस वही होता है कि एंटीरियर साइड में होता है. इट इज़ फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ टू प्यूबिक बोन. तो जो दो प्यूबिक बोन का जंक्शन है जहाँ पे दोनों प्यूबिक बोन आके मिलती हैं वो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है. उसके बाद में है नेक्स्ट दूसरी इनोमिनेट बोन के बाद में दूसरी है सैक्रम. सैक्रम क्या होती है, इट इज़ ए वेज शेप बोन मेड अप ऑफ फाइव फ्यूज बोन. ठीक है, ये एक वेज शेप बोन होती है जो कि फाइव फ्यूज बोन से मिलकर बनी होती है. ठीक है, इसके भी पार्ट होते हैं जो तो पहले होता है सैक्रल प्रोमेंट्री. तो सैक्रल प्रोमेंट्री क्या होता है कि जो सैक्रम का अपर बॉर्डर होता है उसको सैक्रल प्रोमेंट्री बोलते हैं. प्रोमिनेंट पार्ट होता है ये. ठीक है, प्रोमिनेंट अपर मार्जिन ऑफ फर्स्ट सैक्रल वर्टेब्रा. ठीक है, प्रोजेक्ट इनवर्ड प्रोजेक्ट होता है ये. सैक्रो इलियक जॉइंट भी इसमें होता है जो कि सैक्रम और इलियक जहाँ पे सैक्रम और इलियक का जंक्शन होता है, जहाँ सैक्रो और इलियम जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे सैक्रो इलियक जॉइंट्स होता है. उसके बाद में विंग्स ऑफ सैक्रम और आला ऑफ सैक्रम होते हैं. ठीक है, और उसके बाद में होलो ऑफ सैक्रम है कॉनकेव शेप में होती हैं सैक्रम. ये आप सैक्रम की इमेज देख सकते हैं. ठीक है, इसमें ये अपर की तरफ होगा, ये सैक्रल प्रोमेंट्री होता है. तो ये होगा सैक्रल प्रोमेंट्री, ये इसके दोनों तरफ होगा आला ऑफ विंग्स. ठीक है, और ये इसमें दोनों तरफ होल्स होते हैं जिनके द्वारा नर्व फाइबर गुजरते हैं. ठीक है, जो कि इसमें से नर्व फाइबर गुजरते हैं. ठीक है, और ये नीचे वाली होती है कोकेक्स जो कि फोर फ्यूज वर्टेब्रा से मिलके बनी होती है. ठीक है, और ये के बाद में देखते हैं नेक्स्ट है कॉकिक्स. कॉकिक्स क्या होती है ये, इट इज ए वेस्टिजियल टेल की तरह होती है ना ये. कंसिस्ट ऑफ फोर फ्यूज वर्टेब्रा फॉर्मिंग ए स्मॉल ट्राइंगुलर बोन. ठीक है, स्मॉल ट्राइंगुलर बोन की तरह ये होती है. ठीक है, इट इज़ ए आर्टिकुलेटेड विद द सैक्रम. सैक्रम से आर्टिकुलेटेड होती है, सैक्रम से जुड़ी होती है. कोकिक्स मूव्स बैकवर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. तो चाइल्ड बर्थ लेबर के दौरान क्या होता है कि ये इसका कोकिक्स का बैकवर्ड मूव हो जाता है. अब आप ये थोड़ी इमेज देख सकते हैं, इसमें सैक्रल प्रोमेंट्री, सैक्रल ये होते हैं सैक्रल प्रोमेंट्री. ठीक है, और ये जो बॉर्डर होता है ये इलियक क्रस्ट दोनों तरफ. ठीक है, तो ये दोनों, ये इधर और इधर वाले दोनों जो इनोमिनेट बोन होती है इनके दोनों का ये इलियक क्रस्ट हो गया, ये इलियक फोसा हो गया. ठीक है, ये सैक्रम हो गई और ये कोकिक्स हो गई. उसके बाद में जो ये इधर है इलियम का, ये जो इलियम बोन है इनोमिनेट बोन का पार्ट है जो इलियम बोन, इसका ये हो गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड ये हो गया एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे होता है एसिटाबुलम जिसमें कि हेड ऑफ फीमर अटैच होती है. ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे होता है ऑब्डुरेट फोरामेन
ईस्टियो, उसके बाद में ये होता है ईस्टियो प्यूबिक रामस, ठीक है, और ये होता है ईस्टियल ट्यूबरोसिटी, उसके बाद में ये होता है प्यूबिक क्रस्ट, एंड यहाँ पे दो दोनों प्यूबिक बोन मिलती हैं, यहाँ पे होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और ये होती है इलियोपेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिस, ठीक है, और स्टील, उसके बाद में ये होती है स्टील स्पाइन, इसको बोलते हैं, ये जो पूरी केविटी होती है ये होती है पेल्विक ब्रिम या फिर पेल्विक इनलेट, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में है एंटीरियर सैक्रल फोरामेन, ये होता है एंटीरियर सैक्रल फोरामेन। अब इसका ये पेल्विक का एंटीरियर व्यू है, अब इसका पोस्टीरियर व्यू देखिए, ये देखिए इसका पेल्विक का पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। तो पोस्टीरियर व्यू में ये सैक्रम, ये है सैक्रम, एंड ये यहाँ पे कॉकेक्स, ठीक है, और यहाँ पे होगा इलियक क्रस्ट, ठीक है, ये होगा, इधर होगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ पे होगा ट्यूबरकल और क्रस्ट, यहाँ होगा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इधर होगा, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इधर होगा, यहाँ पे होगा एसिटाबुलम, ईस्टियल ट्यूबरोसिटी, ईस्टियो प्यूबिक रामस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड ये होगा एब्डोरेटर फोरामेन, ठीक है, और ये होगा लेसर सियाटिक नोच, और ये होगा ग्रेटर सियाटिक नोच यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे होगा ईस्टियल स्पाइन, ठीक है, ये आपको ये सैक्रम मैंने बताई थी, यहाँ पे सैक्रम है, ये पोस्टीरियर सैक्रल फोरामेन। पेल्विक जॉइंट्स, तो देर आर फोर पेल्विक जॉइंट, फोर पेल्विक मेनली क्या होता है, फोर पेल्विक जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट होता है टू सैक्रोइलियक जॉइंट्स, वन प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, वन सैक्रोकोक्सिलियल जॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं टू सैक्रोइलियक जॉइंट्स, तो सबसे पहले टू सैक्रोइलियक जॉइंट, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि जो इलियम, ठीक है, इलियम और सैक्रम के बीच में होता है ये, ठीक है, इलियम और सैक्रम को ये जोड़ता है, दोनों तरफ होगा ना, राइट और लेफ्ट, तो ये टू सैक्रोइलियक जॉइंट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में देख, कनेक्ट द स्पाइन टू द पेल्विस एंड द स्ट्रोंगर जॉइंट ऑफ बॉडी, ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है ये बॉडी का सबसे स्ट्रोंगेस्ट जॉइंट होता है, ठीक है। सेकंड, वन प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, वन प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कौन सा होता है, इट इज ए कार्टिलेजस जॉइंट, ये कार्टिलेजस जॉइंट होता है जो कि टू प्यूबिक बोन को, बोन के बीच में होता है। थर्ड होता है वन सैक्रोकोक्सिलियल जॉइंट, ये क्या होता है कि जो कोकिक्स और जो सैक्रम है उसके बीच में होता है, और ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद में होते हैं, देखते हैं पेल्विक लिगामेंट्स, पेल्विक लिगामेंट, तो पेल्विक बोन आर हेल्ड टुगेदर विद लिगामेंट्स, ठीक है, जो पेल्विक बोन्स होती है वो टुगेदर हेल्ड टुगेदर होती है विद लिगामेंट्स। तो सबसे पहले सैक्रोइलियक लिगामेंट्स, सैक्रोइलियक, इट पास ए फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड ईच सैक्रोइलियक जॉइंट्स, ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो सैक्रोइलियक जॉइंट्स है उसके फ्रंट, उसके आगे और उसके पीछे दोनों तरफ से ये पास होता है। सेकंड होता है प्यूबिक लिगामेंट, प्यूबिक लिगामेंट में क्या होता है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर और नीचे की तरफ होता है, ठीक है। थर्ड होता है सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, ये भी दो होते हैं, ठीक है, जो कि सैक्रम से दोनों ओर स्थित होते हैं, ठीक है, मतलब सैक्रम के दोनों ओर, दोनों तरफ स्थित होते हैं, और जो ईस्टियल ट्यूबरोसिटी है उससे जुड़े रहते हैं।
ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट। सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट इसमें क्या होता है, ये भी सैक्रम के दोनों ओर होता है जो कि इस्चियल स्पाइन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट है सैक्रो कोक्सीजियल लिगामेंट। तो सैक्रो कोक्सीजियल लिगामेंट में क्या होता है कि ये लिगामेंट सैक्रो कोक्सीजियल जॉइंट के दोनों ओर होता है, ठीक है, दोनों ईच साइड में होता है सैक्रो कोक्सीजियल जॉइंट के। तो इसके यहाँ आप जो लिगामेंट्स हैं उसका उनका आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं पोस्टीरियर सैक्रो इलियक लिगामेंट, ठीक है, और लेटरो सैक्रो कोक्सीजियल लिगामेंट्स और सुपीरियर पोस्टीरियर सैक्रो कोक्सीजियल लिगामेंट, ठीक है, और डीप पोस्टीरियर कोक्सो ऑक्सीजियल लिगामेंट एंड सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है, और उसके बाद में सैक्रो स्पाइनस लिगामेंट।